पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने औरंगाबाद रीनेमिंग मामले में मुश्ताक भाई के पिटीशन को जो है बिना एडमिट किए ही डिसमिस कर दिया है। देखिए यह है ना कि अगर आप किसी मैटर को लड़कर हारते हैं तो मुझे लगता है कि ज्यादा अफसोस नहीं होता, लेकिन मेरी इत्तला जो आज के मैटर में यह है कि कल मुश्ताक भाई की जो पिटीशन थी जो कुछ दिन पहले मुश्ताक भाई ने लगवाई थी, कल उसके अंदर एडजमेंट की एप्लीकेशन दे दी गई थी। जो आज जब मैटर निकला तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है वो उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो कोर्ट में नहीं आए, तो उनके एक जूनियर कलीग जो है एक लेडी एडवोकेट जो है अपीयर हुई और उसने कहा कि आज हम मैटर नहीं चलवाना चाहते, एडजमेंट मांगा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त को जो है मंजूर नहीं किया, सिर्फ न एडजमेंट की एप्लीकेशन मंजूर नहीं की बल्कि मैटर को भी डिसमिस कर दिया। तो ये मतलब बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि अफसोसनाक है कि हम लोग जो है इतने अहम मैटर को बिना लड़े ही हार गए। अब इसमें एक होप रे ऑफ होप जो है वो ये है कि उस हिशाम भाई की जो पिटीशन है वो अभी भी आज भी नहीं लगी थी और वो अभी बाकी है, लेकिन उस्मानाबाद और औरंगाबाद के दोनों पिटीशन डिसमिस होने के बाद अब बहुत ज्यादा उम्मीद तो उससे नहीं है, लेकिन अल्लाह की मतलब अगर अल्लाह चाहे तो हो सकता है कि उसके अंदर थोड़ी सी जो उम्मीद एक छोटी सी विंडो जो खुली है उसके अंदर कुछ करिश्मा हो जाए और ये नाम फिर से बच जाए। अदरवाइज ये बहुत अफसोसनाक है और अभी इसमें कानूनी मामलात के अंदर जो है बहुत ज्यादा कुछ बचा है मुझे लगता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।